जहांगीरपुरी, जहां पे आपसी भाईचारे पे सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है, पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई हैं। ऐसे समय पर वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वहां इंक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने सुनवाई करते हुए आज स्टे लगाया है, और कल मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कोर्ट की निगरानी में दिल्ली के अंदर शांति स्थापित होगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल मौन है, अपने एक विधायक से बयान दिलवाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते आज तक सड़क पर आकर के अपनी बात नहीं कहते। भाजपा जिस तरह से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत की दीवार को और ऊंची करते जा रहे हैं, इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जो दिल्ली के अंदर शायद शांति स्थापित करा सकता है। यूपी को तर्ज पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज दिल्ली को भी यूपी बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। अफसोस इस बात का कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है दिल्लीवासियों से कि इस तरह की गलत फहमियों में ना आए। दिल्ली शांत नहीं, दिल्ली प्रतीक है भाईचारे का, दिल्ली प्रतीक है विश्व के अंदर एक ऐसे शहर का जिसको कांग्रेस ने बनाया, शीलाजी ने बनाया। आज उस शहर को उजाड़ने की साजिश अपने राजनीतिक इच्छा के लिए दोनों दल कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ से विनती है इस तरह के बहकावे में ना, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की साजिशें बंद करें, इस शहर को जलाने का काम ना करें।